वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए कर रही हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट टू। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पार्ट वन में देखा कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है और जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो तीन स्टेट्स में डिवाइडेड थे, उनमें कौन सा सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज था, कौन सा सबसे ज़्यादा टैक्सेस देता था, वहाँ के पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, सोशल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, वो सब हम देख चुके हैं। और हमने बात कर ली थी बास्टिल की जो जेल थी उसके ऊपर अटैक के बारे में, वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ द बास्टिल रायट्स बिगैन अगेंस्ट द अरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर फ्रांस एंड नोबल्स वर अटैक। सब जगह नोबल्स पर अटैक किया जाता है। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर फ्यूडल सर्विसेज। ये जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, इन्होंने जो भी इनके रिकॉर्ड्स थे सर्विसेज के विद द फ्यूडल लॉर्ड्स, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। नोबल्स वॉलंटरीली सरेंडर्ड देयर फ्यूडल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन 4 अगस्त 1789। जो नोबल्स थे, जो एरिस्टोक्रेसी थी, उन्होंने उनके जो अधिकार थे उनको सरेंडर कर दिया। और इनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रांस छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जगहों पर सेटल हो जाते हैं इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। ओके, फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम वर अबॉलिश्ड। वर्ग विभेद का उन्मूलन कर दिया गया, क्लास डिस्टिंक्शंस जो थी उनको खत्म कर दिया गया, एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद ये जो नेशनल असेंबली थी ये सिचुएशन को कंट्रोल रखती है और इसके अंतर्गत काम किया जाता है। देखो, इससे पहले एक हमने देखा एस्टेट्स जनरल, एस्टेट्स जनरल 1789 से काम करना शुरू करती है। उसके बाद ये नेशनल असेंबली बनती है, 1789 से 91 तक ये काम करते हैं। नेशनल असेंबली ने अपने आप को नाम दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब नेशनल असेंबली का ही नाम चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि ये क्यों बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करने वाली थी फ्रांस के लिए। अब भारत में भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया था। तो ये जो नेशनल असेंबली थी, अब इसने अपने आप को नाम दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये बनाने वाले थे फ्रांस के लिए संविधान। इट ड्रू अप द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये जो नया संविधान था, इट ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइडेड फॉर अ लिमिटेड मोनार्की टू फ्रांस। ने स्पष्ट रूप से कहा संविधान सभा के द्वारा निर्मित नए संविधान में फ्रांस के लिए सीमित राजतंत्र की व्यवस्था की गई। ओके, लिमिटेड मोनार्की होगी। जो टाइटल्स थे नोबल्स के, देवर अबॉलिश्ड, और जुडिशरी को भी रिमॉडल किया गया। नया संविधान क्या क्या दे रहा है, उसमें एक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इन गिविंग मैन द बेसिक राइट्स। ओके, जो नई कॉन्स्टिट्यूशन थी, क्लियरली उसने मोनार्की को काफी हद तक लिमिट किया। नोबल्स के टाइटल्स वगैरह अबॉलिश कर दिए गए। बेसिकली किस तरफ लेकर जा रहे हैं फ्रांस को? फ्रांस को इक्वालिटी की ओर लेकर जा रहे हैं। जो टॉर्चर करने के तरीके थे वो अबॉलिश कर दिए गए। न्यू सेंट्रल एंड लोकल कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड एंड जजेस वर टू बी इलेक्टेड। नए सेंट्रल और लोकल कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए, जजेस वर टू बी इलेक्टेड, जजेस का अब इलेक्शन होना था। ड्रास्टिक एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट द चर्च, चर्च के खिलाफ। चर्च को हमने क्या पाया कि चर्च जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफियर करता था और चर्च जो है उसकी बातें बिल्कुल इलॉजिकल थी। ओके, और हर चीज़ में डिवाइन थ्योरी को वो इंपॉर्टेंस देता था। तो चर्च के खिलाफ काफ़ी मेजर्स लिए गए, चर्च की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली गई। और आप आगे देखेंगे कि चर्च में जो लोग काम करने वाले थे, जो क्लर्जी के सदस्य थे, उनमें से काफियों को गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करनी पड़ी। एब्सोल्यूट रिलीजियस टॉलरेशन वाज प्रोक्लेम्ड। यस, कोई रिलीजन सुपीरियर, कोई रिलीजन इंफीरियर नहीं है, एब्सोल्यूट रिलीजियस टॉलरेशन, पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता की घोषणा की गई। उसके बाद ये जो नेशनल असेंबली होती है ये स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट इन द नेशनल असेंबली डिस्पाइट द न्यू गवर्नमेंट। अब देखो, ये जो नेशनल असेंबली थी इसमें भी तो मतभेद होंगे ना, मतभेद किन चीज़ों को लेकर होंगे अब हम वो देखेंगे। और इसमें स्प्लिट हो जाता है, डिस्पाइट द न्यू गवर्नमेंट ओल्ड इशूज, जैसे कि जो फूड शॉर्टेज का इशू था। और फ्रांस की ये सारी दिक्कत स्टार्ट क्यों हुई थी? क्योंकि फ्रांस के सिर कर्जा काफ़ी हो गया था, इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। तो नई गवर्नमेंट होने के बावजूद जो पुराने मुद्दे थे, जैसे कि फूड शॉर्टेज का मुद्दा है, गवर्नमेंट डेट का मुद्दा, उनका तो कोई समाधान निकला ही नहीं। एंग्री क्राइज फॉर मोर लिबर्टी, मोर इक्वालिटी, मोर ब्रेड सून कॉज्ड द रेवोल्यूशन लीडर्स टू टर्न अगेंस्ट वन अनदर।
एंग्री क्राइज फॉर लिबर्टी, मोर इक्वालिटी, ओके, लोग आज़ादी मांग रहे थे, बराबरी मांग रहे थे, लोगों के पास खाने को नहीं था, इसलिए जो लीडर्स हैं वो स्प्लिट होते हैं, नेशनल असेंबली जो है उसमें स्प्लिट होता है, और ये जो नेशनल असेंबली है ये तीन ग्रुप्स में स्प्लिट हो गई, और हर ग्रुप जो है इट सैट इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द मीटिंग हॉल। मान लीजिए कि ये मीटिंग हॉल है, एक लेफ्ट में बैठेगा, एक सेंटर में बैठेगा, और एक फिर एक जो है वो राइट में बैठेगा, और इन तीन ग्रुप्स को नाम दिया गया रेडिकल्स, मॉडरेट्स और कंजर्वेटिव। जो जबरदस्त चेंजेस चाहते थे रेडिकल्स, और जो चेंजेस ज्यादा नहीं चाहते थे वो कंजर्वेटिव, और इन दोनों के बीच में कौन थे, इन दोनों के बीच में थे मॉडरेट्स। जो रेडिकल्स थे जिसको लेफ्ट विंग कहा गया, ये हॉल के लेफ्ट साइड में बैठते, जैसा कि बताया गया कि तीनों अलग अलग जगह बैठते, दे सैट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हॉल, इनको लेफ्ट विंग कहा जाता, सो दे सैट ऑन द लेफ्ट, और ये राजा को अपोज करते थे एंड द आइडिया ऑफ अ मोनार्की, ये पूरी तरह से मोनार्की के अगेंस्ट थे और ये चाहते थे कि राजा का जो पद है वो खत्म कर दिया जाए। ये काफी ज्यादा चेंजेस चाहते थे इन द गवर्नमेंट एंड प्रपोज दैट कॉमन पीपल हैव फुल पावर इन रिपब्लिक। ये सरकार में बहुत बड़े बदलाव चाहते थे, इनका प्रस्ताव था कि गणतंत्र में पूरी शक्ति आम लोगों के पास हो। फिर बात करते हैं मॉडरेट्स की, मॉडरेट्स जो है दे सैट इन द सेंटर ऑफ द हॉल एंड को हम सेंट्रिस्ट कहते हैं। ये कुछ चेंजेस चाहते थे इन द गवर्नमेंट, लेकिन इतने नहीं चाहते थे जितने कि रेडिकल्स चाहते थे। उसके बाद कंजर्वेटिव है, ये राइट साइड में बैठते थे, और इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया राइट विंग, इनको राइट विंग कहते थे। दे अपहेल्ड द आइडिया ऑफ लिमिटेड मोनार्की, इन्होंने कहा मोनार्की होनी चाहिए परंतु लिमिटेड, ओके, जैसे अभी है ना कि कोई कंट्रोल ही नहीं है राजा के पावर्स पर, वैसी नहीं, एक लिमिटेड मोनार्की हो। दे वॉन्टेड फ्यू चेंजेस इन गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम अबव थ्री ग्रुप्स, इन तीन ग्रुप्स के अलावा दो ग्रुप्स और हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम द अबव थ्री ग्रुप्स देयर वर टू मेन मोर एक्सट्रीम ग्रुप्स जिनके नाम हैं इमिग्रेस और दूसरे हैं सैंस्क्लोटस, ओके, आई होप दैट्स द प्रोनाउंसिएशन। अब एमिग्रेस कौन से हैं, एमिग्रेस वो ग्रुप है नोबल्स का और दूसरे समृद्ध व्यक्तियों का जो फ्रांस से भाग गए थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनको एमिग्रेस कहते हैं। क्यों, अब एमिग्रेस से ही आएगा ना एमिग्रेंट, एमिग्रेंट कौन होता है जो अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाए, तो ये जो एमिग्रेस थे दे कंप्राइज नोबल्स एंड अदर्स हु हैड फ्लेड फ्रांस ड्यूरिंग द पेजेंट अपराइजिंग्स, और ऑब्वियसली दे वॉन्टेड टू अंडू द रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन के आने की वजह से तो इन नोबल्स का बड़ा नुकसान हो गया था, तो ये जो रेवोल्यूशन है इसको ये अंडू करना चाहते थे, इसको समाप्त करना चाहते थे, और जो पुराना सिस्टम था मोनार्की का, जो पुराना सिस्टम था थ्री एस्टेट्स का, क्लर्जी नोबल्समैन, वो वाला सिस्टम ये दोबारा से रिस्टोर करना चाहते थे क्योंकि उसमें ये बहुत अच्छे से रहते थे। अब तो नौबत ये आ गई थी कि इनको अपनी कंट्री को छोड़कर भागना पड़ा। दूसरा जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं सैंस्क्लोटस, ओके, ये इसको ये कहा जाता है सैंस्क्लोटस। दे वर द कॉमन पीपल ऑफ द लोअर क्लासेस, ये लोअर क्लासेस के लोग थे, ये काफी ज्यादा इनमें लोग जो थे वो रेडिकल हो गए थे, मिलिटेंट हो गए थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बहुत ही घटिया क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे थे, जैसा कि हमने देखा था कि वर्कर्स जो हैं वो बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के, बिना अपने एम्प्लॉय की परमिशन के तो जॉब तक नहीं छोड़ सकता था, उसका फुल एक्सप्लॉयटेशन होता था, दबाकर उसको टैक्स देने पड़ते थे, तो अपनी जो घटिया क्वालिटी ऑफ लाइफ है जिसकी वजह ये दुखी थे। The name Sansclotus refers to their clothing। ये नाम कहां से आया? ये नाम आया उनकी क्लोदिंग से, ओके? And through that to their lower class status। क्लोटस क्या होते हैं? ये फैशनेबल सिल्क नी ब्रीचेस होते हैं। ब्रीचेस घुटनों से थोड़ा नीचे तक पहनने वाला, पैरों में पहनने वाला एक ये क्लोथिंग पीस होता है। दे वर फैशनेबल सिल्क ब्रीचेस ऑफ द 18th सेंचुरी, और जो नोबिलिटी थी और जो मिडिल क्लास थे, जो नोबिलिटी थी वो इनको पहनती थी, और जो लोअर क्लास वर्किंग क्लास थे वो सैंस्क्लोटस को पहनते थे, जो कि एक्चुअली पूरी पैंट हुआ करती थी या ट्राउजर्स हुआ करते थे। दिस ग्रुप टिपिकली कंप्राइज द अर्बन लेबरर्स, वेज अर्नर्स एंड स्मॉल शॉप कीपर्स। तो ये दो ग्रुप्स और थे, हालांकि इनकी क्लोथिंग पुअर थी, इलिक्विप्ड थे ये, लेकिन ये इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में दे मेड अप द बल्क ऑफ द रेवोल्यूशनरी आर्मी ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन।
इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी थे। तो हमने अब तक क्या क्या देखा, जो नेशनल असेंबली है किस तरह से वो थ्री पार्ट्स में ब्रेकअप हो गई, उसके बाद हमने देखा एमेरस और सैन क्लूटोन्स ये वाले कौन थे। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। आपने जरूर जैकोबियन क्लब के बारे में सुना होगा, टीपू सुल्तान जो थे वो उसके बहुत बड़े समर्थक थे। द पॉलिटिकल क्लब्स स्प्रांग अप इन डिफरेंट क्वार्टर्स, बहुत सारी जगहों पर पॉलिटिकल क्लब्स हुए, ओके। और इन पॉलिटिकल क्लब्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है जैकोबियन क्लब और दूसरा है कॉर्डिलियर क्लब, ओके। जैकोबियन क्लब जो था इसके लीडर का नाम देखिए यहां पर दिया गया है रॉब्सपियर, ओके, ये इसके लीडर का नाम है। और ये रैडिकल डेमोक्रेट थे। रैडिकल डेमोक्रेट का मतलब क्या हुआ कि ये जबरदस्त बदलाव चाहते थे। ये उस ग्रुप में थे जो कि ये कहता है ना कि नहीं, मोनार्की तो होनी ही नहीं चाहिए। और जो कॉर्डिलियर ग्रुप था उसके लीडर कौन है, उसके लीडर का नाम है डैंटन, ओके। एक और तीसरा ग्रुप देखो यहां पर, गिरोंडिस वर अ ग्रुप ऑफ एलोक्वेंट यंग मैन एंड स्टूड फॉर establishing a republican form of government. गिरोंडिन युवा व्यक्तियों का एक समूह था जिसमें से अधिकांश अच्छे बोलने वाले थे, देवर गुड ओरेटर्स, तथा यह सरकार के गणतंत्रवादी रूप की स्थापना के लिए खड़ा हुआ। उसके बाद आगे है मैडम रोलैंड। मैडम रोलैंड गिरोंडिन समूह की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के बारे में। एज पर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली मेट इन 1791। अब हमने देखा कि किस तरह से एक नया संविधान बनता है, और नया संविधान बनने के बाद जिसको पहले हम कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब वो बन जाती है न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली। एज पर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनी जो मिली 1791 को। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कुछ होना था वो सब हुआ। एज पर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नई संविधान के अनुसार द न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो मिलती है 1791 में। टू कर्टेल द एक्टिविटीज ऑफ नोबल्स लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ट लॉज। उसके बाद अब ये सारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब इसका काम क्या है, नया संविधान बनाए किस लिए जा रहा था, कि सबको बराबरी के राइट्स वगैरह दी जा सके। तो ये नोबल्स के पावर्स पर काफी सारी प्रतिबंधियां लगाते हैं। जो किंग है ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ दीज लॉज। अब किंग को पता है कि नोबल्स के बाद अगला नंबर उसी का आना होता है, एंड ही यूज्ड हिज वीटो अगेंस्ट देम। किंग जो है उसने अपना वीटो इस्तेमाल किया। व्हेन द रेवोल्यूशन ब्रोक आउट मेनी ऑफ द नोबल्स एमरेजेस मैनेज टू एस्केप फ्रॉम फ्रांस। ये लोग जो हैं ये फ्रांस से ही भाग जाते हैं, और ये फ्रांस से भागने के बाद ये दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, और दूसरी कंट्रीज में पूरे यूरोप में ही, या हम कह सकते हैं उस टाइम पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा तो था ही ना कि एक सेक्शन सुपीरियर था और एक सेक्शन इंफीरियर था। तो ये जो लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज में ये जाते हैं, वहां जाकर ये बहुत क्लियरली, ओके, बहुत क्लियरली फ्रांस की जो सिचुएशन है उसको बताते हैं, और उनको दूसरी कंट्रीज में बताते हैं कि देखो ऐसा तुम्हारे यहां भी हो सकता है। दे कैरिड आउट प्रोपोगैंडा अगेंस्ट द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस एंड ट्राई टू मोबिलाइज सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरे देशों से ये लोग समर्थन पाने की कोशिश करते हैं ताकि फ्रेंच रेवोल्यूशन को दबाया जा सके, और दूसरी कंट्रीज के मन में एक भय पैदा करने की कोशिश करते हैं कि देखो जैसा हमारे यहां हो रहा है ऐसा तुम्हारे यहां भी तो हो सकता है, ओके। और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की तो क्वीन थी अगर आपको याद हो, और प्रुशिया जो है उनको लगता है कि यस, ये लोग जो नोबल्स बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इस तरह की रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रिया के राजा को भी ऐसा लगता है, प्रुशिया में भी ऐसा लगता है। किंग लियोपोल्ड जो हैं ये ऑस्ट्रिया के राजा थे। किंग लियोपोल्ड ऑफ ऑस्ट्रिया, उन्होंने एक डिक्लेरेशन इशू की, और डिक्लेरेशन का नाम देखो यहाँ पर दिया हुआ है पिलनिट्ज की घोषणा। और ये जो पिलनिट्ज की घोषणा है इसमें क्लियरली ये कहा जाता है, ऑस्ट्रिया और प्रुशिया जो हैं ये कहते हैं कि किंग लुई जो हैं उनको वापस गद्दी पर बिठाया जाए, और ये जो सारी की सारी फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसको सप्रेस किया जाए। क्लियरली ये बात कही जाती है, ठीक है, कि जो राजा है उसको दोबारा से गद्दी पर बिठाया जाए। किंग लियोपोल्ड ऑफ ऑस्ट्रिया इशूड द फेमस डिक्लेरेशन ऑफ प्लिंस अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरीज ऑन 27 अगस्त 1791, वेयर बाय ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया प्रपोज दैट फ्रांस पुट लुई बैक ऑन द थ्रोन।
लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिस्पॉन्स दिया. लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पॉन्डेड बाई डिक्लेयरिंग वॉर ऑन ऑस्ट्रिया बाई अप्रैल 1792 एंड पुरुषिया लेटर ज्वाइंड ऑस्ट्रिया इन द वॉर. अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इस बात पर बड़ी नाराज हुई कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने ये कह दिया कि रेवोल्यूशन को खत्म किया जाए और किंग को वापस रीइंस्टेट किया जाए. तो लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पॉन्डेड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑस्ट्रिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया 1792 में. और लेटर पुरुषिया भी जो है वो ऑस्ट्रिया की ओर से लड़ता है. ऑस्ट्रिया डिफीटेड द इल इक्विप्ड रेवोल्यूशनरी आर्मी. ऑस्ट्रिया ने आर्मी को डिफीट किया. रॉथ ऑफ द रेवोल्यूशनरीज टर्न्ड अगेंस्ट द फ्रेंच किंग. अब जाहिर सी बात है कि ऐसा तो हो नहीं सकता. अब इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने बेसिकली ऑस्ट्रिया ने बोला था इन फेवर ऑफ द फ्रेंच किंग, राइट. तो इनका जो गुस्सा है फिर फ्रेंच किंग पर निकलता है, रेवोल्यूशनरीज का, क्रांतिकारियों का गुस्सा फ्रांस के राजा पर निकला. 10 अगस्त 1792 को एक उग्र भीड़ थी जिन्होंने राजा के महल पर आक्रमण कर दिया. और आक्रमण करने के बाद वो क्या करते हैं, आक्रमण करने के बाद द मॉब ब्रूटली मैसेकर्ड द गार्ड्स. जितने भी वहां गार्ड्स वगैरह थे उन सबको मार दिया गया, उनकी बुरी तरह से हत्या कर दी गई. राजा को बंदी बना लिया गया, महारानी को बंदी बना लिया गया एंड देयर चिल्ड्रन इन अ स्टोन टावर. इन सबको बंदी बना लिया गया. उसके बाद चुनाव होते हैं. इलेक्शंस वर ऑर्डर्ड फॉर अ नेशनल कन्वेंशन टू प्रिपेयर अनदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. एक नया संविधान बनाया जाए. उसके बाद सितंबर मैसेकर्स होते हैं. सितंबर के महीने में बहुत सारी हत्याएं की गई. रेडिकल्स जो थे, जो काफी ज्यादा चेंजेस चाहते थे, रेडिकल्स एट पेरिस लेड बाय डैंटन, उन्होंने 1500 लोगों को मारा जिनके बारे में उनको ये लगता था कि प्रोबेबली ये राजा के समर्थक हैं. देन द फ्रेंच आर्मी डिफीटेड द ऑस्ट्रियन आर्मी एट वैलमी. उसके बाद जो फ्रांसीसी सेना थी उन्होंने ऑस्ट्रियन आर्मी को हराया. हमने क्या देखा कि पहले ऑस्ट्रिया ने फ्रांस की आर्मी को हरा दिया था, लेकिन अब जो फ्रेंच आर्मी है वो ऑस्ट्रियन आर्मी को भी हरा देती है. और क्लियरली ये मैसेज चला जाता है पूरे यूरोप में कि दिस रेवोल्यूशन इज टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली. ओके, आप ये मत सोचिए कि इसको क्रश कर दिया जाएगा. उसके बाद नेशनल कन्वेंशन का पीरियड होता है 1792 से 1795 तक. Faced with the threat of the radicals, the members of the legislative assembly gave up the idea of a limited monarchy. Okay? Faced with the threat of the radicals, the members of the legislative assembly gave up the idea of limited monarchy. पहले एक सेक्शन ऐसा था जो कह रहा था कि नहीं, लिमिटेड मोनार्की तो होनी चाहिए, पूरी तरह से मोनार्की को एस्टैब्लिश खत्म नहीं करना चाहिए. तो उसके बाद क्या होता है, इन्होंने सेट असाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 को, एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाएगी. इन्होंने घोषणा की कि राजा को उसके पद से हटा दिया गया है, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है और एक नया लेजिस्लेचर बनेगा, कॉलिंग फॉर इलेक्शन ऑफ अ न्यू लेजिस्लेचर. आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल कन्वेंशन मेट इन 1792. ओके, नेशनल कन्वेंशन जो है 1792 में उनकी मीटिंग होती है. इट अबॉलिश्ड मोनार्की, मोनार्की को खत्म किया गया एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया. अब कोई राजा वाजा नहीं है. देखो सिचुएशन पहले क्या थी, पहले ये थी कि तीन ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, तो और एक सेक्शन था जो कहता था कि नहीं लिमिटेड मोनार्की हो. लेकिन अब क्या हो रहा है, इस मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक. बाई अराउंड द सेम टाइम फ्रेंच आर्मी वन अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड पुरुषिया एंड नाउ देयर वॉज नो डेंजर फ्रॉम फॉरेन. और इसी टाइम में क्या होता है कि फ्रेंच आर्मी जो है वो ऑस्ट्रिया और पुरुषिया को पूरी तरह से हरा देती है और किसी एक्सटर्नल फॉरेनर का भी कोई भी थ्रेट नहीं है. अब ये जो नया संविधान बना, अडल्ट मेल सिटीजन्स वर ग्रांटेड द राइट टू वोट, होल्ड ऑफिसेस, वुमेन वर नॉट गिवन द राइट टू वोट. देखो ऐसे बहुत से कंट्रीज में, हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी क्या देखा कि महिलाओं को शुरुआत में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, इजंट इट. लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर जब वोट डालने का अधिकार दिया गया तो दोनों को ही दिया गया एक साथ. तो यहां पर भी फ्रांस में पहले अडल्ट मेल सिटीजन्स को दिया जाता है अधिकार, महिलाओं को नहीं. डेलीगेट्स रिड्यूस्ड लुई 16's रोल फ्रॉम दैट ऑफ अ किंग टू दैट ऑफ अ कॉमन सिटीजन एंड अ प्रिजनर. ये जेल में हम देख चुके हैं. और उसके बाद देन गाइडेड बाई रेडिकल जेकोबियंस दे ट्राइड लुई फॉर ट्रीजन एंड फाउंड हिम गिल्टी. जो राजा था उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसको दोषित घोषित किया गया और फाइनली उसके बाद राजा की हत्या कर दी गई. द किंग लुई द 16 आफ्टर अ ट्रायल ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ ट्रीजन. देशद्रोह का उस पे मुकदमा चला, दोषी पाया गया और 21 जनवरी 1793 को राजा को मार दिया गया. ओके,
पहले क्या होता था, पहले डेथ बाय हैंगिंग होती थी, ओके, आपको लटका दिया जाता था फांसी पर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ओ ये तो बड़ा क्रूर है, इसमें तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से नहीं मरते, उनका दम बड़ी बुरी तरह से घुटता है। तो एक व्यक्ति थे जिनका सरनेम ये था, इनका सरनेम ये था इसको गिलटीन शायद प्रोनाउंस करते हैं, ये उनका सरनेम था, तो उनके नाम पर ही ये दिया गया है। और इसमें क्या होता था कि ऊपर एक ब्लेड लगा होता था और नीचे एक व्यक्ति को इस तरह से लिटा दिया जाता था, और ये जो तेज धारदार चीज है ये एकदम से बहुत तेज गति से उसकी गर्दन के ऊपर गिरती थी और गर्दन बिल्कुल अलग हो जाती थी। तो इस तरह से राजा को मारा गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस तरीके से बहुत लोगों को मारा गया था। 3 days later even the queen was executed by guillotine, ठीक है, 3 दिनों बाद रानी को भी इसी तरह से मार दिया गया। और राजा रानी की मृत्यु के बाद एक ऐसा पीरियड होता है जो बहुत ही ज़्यादा खौफ और आतंक का पीरियड है फ्रांस में। जो रेडिकल्स हैं वो पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, और कोई भी व्यक्ति ज़रा सा भी अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के खिलाफ बोलता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। नेशनल कन्वेंशन वॉज कंट्रोल्ड बाय जैकोबियंस हु फॉर्म्ड द मेजॉरिटी एंड वेयर मेजर फोर्स टू कैरी अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। लुई द 16 की मृत्यु हो चुकी है, महारानी की मृत्यु हो चुकी है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग एंड द क्वीन, ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड एंड स्पेन जॉइंड पुरुषिया एंड ऑस्ट्रिया इन एन अलायंस नोन एज फर्स्ट कोलिएशन इन अर्ली 1793। जो दूसरी कंट्रीज हैं यूरोप में उनको भी डर हो रहा है कि कहीं ये यूरोपियन रेवोल्यूशन का बुखार हमारी कंट्री तक ना पहुंच जाए, यहां भी मोनार्की को खत्म ना कर दिया जाए। तो ऑस्ट्रिया और पुरुषिया के बारे में तो हम देख ही चुके हैं, वो 2 लड़ाइयां हार चुके हैं अगेंस्ट फ्रांस। अब धीरे धीरे ब्रिटेन, हॉलैंड और स्पेन भी जो हैं वो पुरुषिया और ऑस्ट्रिया की साइड हो जाते हैं, और इस तरह से बनता है फर्स्ट कोलिएशन अर्ली 1793 में। फ्रांस वॉज अटैक्ड फ्रॉम सेवरल साइड्स एंड सफर्ड अ स्ट्रिंग ऑफ डिफीट्स। फ्रांस जो है वो हारता है। जैकोबियन लीडर्स टुक एक्सट्रीम स्टेप्स टू मीट द न्यू डेंजर्स। और एक्सट्रीम स्टेप में वो क्या क्या करते हैं, नेशनल कन्वेंशन डिक्रीड अ ड्राफ्ट इन टू द आर्मी ऑफ 3 लाख फ्रेंच सिटीजन्स बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40। ये कंपल्सरी कर देते हैं, अगर आप यंग हैं तो आपको आर्मी में सर्विसेज देनी ही होंगी। नेशनल कन्वेंशन क्या कहता है अपने ड्राफ्ट में, ये कहता है कि आर्मी में 3 लाख लोग भर्ती किए जाएं जो कि फ्रेंच सिटीजन हैं और इनकी एज जो है 18 से 40 के बीच में है, ताकि सभी एंड्स पर जहां जहां इनकी लड़ाइयां हो रही हैं ये वो लड़ाइयां लड़ सकें। और आर्मी जो है अब उसकी संख्या देखो, विद इन अ ईयर द आर्मी हैड ग्रोन टू 8 लाख। Apart from the foreign armies, the Jacobians faced threats from within as well. From moderates, peasants who were horrified by the beheading of the king, priests who could not accept government control, and rival leaders who were power hungry. तो ये जो radicals हैं, ये किस चीज़ पर focus कर रहे हैं? इनको किसी ना किसी तरह अपनी ये revolution जो है successful बनानी है। लेकिन उसका क्या कि France में खाने को कुछ नहीं है? उसका क्या कि जो peasants जो हैं वो suffer कर रहे हैं? और जिस तरह से इन्होंने राजा की गर्दन काट दी थी, रानी की गर्दन काट दी थी, उससे लोगों में काफी ज्यादा खौफ हो गया था, isn't it? और वो जो रिलीजियस ग्रुप था, क्लर्जी वाला ग्रुप था, जिनको अब गवर्नमेंट पोस्ट पर काम करना पड़ रहा था, वो सारे लोग जो हैं वो डिससैटिस्फाइड थे। जैकोबियंस हैड सेट अप द रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल टू डील विद द मॉडरेट्स। अब जितने भी लोग विद इन फ्रांस इन जैकोबियंस के खिलाफ थे, उनसे निपटने के लिए एक रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल का गठन किया गया। इट वॉज बिगिनिंग ऑफ टेरर। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से जैकोबियंस और रेडिकल्स जो हैं ये पूरी तरह से कंट्रोल ले रहे हैं और हर चीज को अपना रहे हैं ताकि ये कामयाब हो सके। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस एंड वॉज द फाइनल फेज ऑफ द रेवोल्यूशन। इसको डार्केस्ट पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली इस पीरियड में कब किसका नंबर आ जाए और उसको मार दिया जाए किसी को भी नहीं पता था। टेरर पीरियड ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का डार्केस्ट पीरियड था। बहुत सी जगह दंगे होते हैं, जैसे कि लियोन में, मार्सिल्स में और दूसरे शहरों में। जो जैकोबियंस थे दे सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन and created the Committee of Public Safety with full power to deal with these causing internal threats. Okay? Jacobians जो थे उन्होंने constitution को suspend कर दिया और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये Committee of Public Safety बनाई। और ये Committee of Public Safety क्या करती थी? Committee of Public Safety जो थी ये उन लोगों के साथ निपटती थी जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन उठाते थे और जरा भी इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करते थे या कहते थे कि क्रांति सही नहीं है, उनसे निपटती थी ये कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। और
उन लोगों को मरवा देती थी। इसके लीडर कौन है? इसके लीडर है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये इसके लीडर है। ही वॉज द लीडर ऑफ दिस कमिटी और ये एक्सट्रीम रेडिकल थे, बहुत ज्यादा कट्टर। किसी ने जरा सा क्वेश्चन उठाया उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। एज हेड ऑफ द कमिटी ही डिसाइडेड हु शुड बी कंसिडर्ड एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, किसको जो रिपब्लिक है उसका दुश्मन माना जाए। ये जो पीरियड है 1793 से लेकर 1794 तक, इसको हम पीरियड ऑफ टेरर कहते हैं। द पीरियड ऑफ His rule, this is known as the reign of terror. उसके बाद Committee of Public Safety जो है, ये जो Committee of Public Safety है during the reign of terror, इसने prices को control किया, ठीक है, food prices वगैरह को control किया, इसने slavery को abolish किया French colonies में, इसने church को जो powers दी गई थी उनको कम करवाया, इन्होंने एक secular security जो society जो है उसको create करने की कोशिश की, जो religious leaders थे उनको expel किया, और जो borders थे France के, borders of New Republic पब्लिक वर सिक्योर्ड फ्रॉम इट्स एनिमीज। इन्होंने ये बहुत सारे कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन ये बात भी सच है कि इस रूल ऑफ टेरर में दुनिया भर के लोगों को मौत के घाट उतारा गया, ओके? जिस वजह से इसको रूल ऑफ टेरर का नाम दिया गया है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को शहरों में, गांव में, देहातों में काफी लोगों को मारा गया। फिर 1795 में क्या होता है, इन 1795 एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको नाम दिया गया है डायरेक्टरी, इट अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ फ्रेंच स्टेट। जैसे जैसे ये जो आपकी ये जो टेरर रूल था, इसमें जो ग्रुप कंट्रोल कर रहा था ऑन पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप था इनको भी लगने, ये बहुत रेडिकल हो गया, इसमें खुद में जो है कि ये लोग स्प्लिट होने लगे, और कुछ एक को लगा कि और रेडिकल होने की आवश्यकता है, कुछ एक को लगा रेडिकल होने की आवश्यकता नहीं है। जनता भी जो है इनके शासन से काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि हर कोई ऑलमोस्ट शक के दायरे में रहने लगा था। तो फिर फाइनली क्या होता है, ये जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर हैं इनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीम आइडियाज, और जिस गैलेटिन पर इन्होंने काफी लोगों को मारा था वहीं पर इनको भी मार दिया जाता है। और उसके बाद फिर फाइनली जो है एक नई कमिटी आती है, ये नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल आता है जिसका नाम है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच स्टेट। और अब हम आ गए हैं डायरेक्टरी के पीरियड में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शंस को सस्पेंड किए, रेप्यूडिएटेड डेब्ट, जिस वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, इन्होंने जो कैथोलिक क्लर्जी थी उनको प्रोसिक्यूट किया, और बहुत सारे इन्होंने चेंजेस किए इन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अब्रॉड। और ये जो डायरेक्टरी थी इसको मिलकर 5 लोग चलाते थे, ओके? जैसा कि हमने पहले देखा कि वो जो कमिटी थी ऑन पब्लिक सेफ्टी उसका एक ही हेड था, लेकिन यहां पर क्या थे, 5 हेड्स थे। तृतीय चरण में नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण कर कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निर्देशक मंडल को सौंपा। मंडल के जो 5 सदस्य थे उन सबके बराबर अधिकार थे। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, और डायरेक्टरी का जो शासन है 1795 से 99 तक चला। लेकिन ये जो डायरेक्टरी थी जल्दी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और ये जो 5 सदस्य थे इनका एक विश्वसनीय था नेपोलियन बोनापार्ते, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये विश्वसनीय था, बहुत ही जबरदस्त जनरल था ये, ठीक है? इसने 1799 में तख्ता पलट कर दिया और डायरेक्टरी को हटा दिया। डायरेक्टरी जो है वो कोलैप्स हो गई। नेपोलियन जो है पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन के हीरो के रूप में उभरता है अब, ओके? और इनके मिलिट्री कैंपेन्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे, और नेपोलियन जो है ये कंसुल की स्थापना करता है। ही एस्टैब्लिश्ड द कंसुलेट एंड लेटर द फर्स्ट एम्पायर, सेटिंग द स्टेज फॉर वाइडर अरे ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नेपोलियनिक वॉर। डायरेक्टरी का जो शासन है अव्यवस्थित था, दुखमय रहा। संचालक मंडल के सामने जो सबसे प्रमुख समस्या थी वो थी युद्ध की समस्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस जो है वो ऑलमोस्ट हर कंट्री से यूरोप में लड़ाई कर रहा था। दूसरी तरफ डायरेक्टरी के जो सदस्य थे वो अनुभवहीन थे, अयोग्य थे, ऊपर से भ्रष्ट भी थे। तरह तरह की गड़बड़ियां फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया, और उसकी विदेश नीति कमजोर रही। डायरेक्टरी की विदेश नीति काफी कमजोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता को ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो कि देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके, विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। और इस काल में नेपोलियन जो है, नेपोलियन ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया। 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिलेट बनाया। और ये जो काउंसिल बना 1804 में, इसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन
नेपोलियन ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह नेपोलियन जो है नेपोलियन के तानाशाही साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। आगे जाकर नेपोलियन जो है वो फ्रांस का अपने आप को किंग या रूलर भी डिक्लेयर कर देता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं नेपोलियन के वॉर्स के बारे में। 1792 से 1815 तक फ्रांस जो है वो कंटिन्यूअसली वॉर में इन्वॉल्व रहा। वॉर किस किस के बीच रहा? इट वॉज अ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड अदर स्टेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई जो आसपास के राज्य थे जैसे ऑस्ट्रिया है, प्रूशिया वगैरह है, इनको चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो क्रांति की आग है ये हमारे देश को भी झुलसा दे। सम हिस्टोरियंस हैव टर्म्ड इट एज एन इंटरनेशनल सिविल वॉर। कुछ एक ऐसे इतिहासकार हैं जो इस वॉर को इंटरनेशनल सिविल वॉर भी कहते हैं, बिकॉज एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ काफी सारी कंट्रीज थी जो कि पुराने ऑर्डर को अपहोल्ड कर रही थी। इस लड़ाई में फ्रांस जो है वो अकेले लड़ रहा था। हाउएवर अंटिल नेपोलियन बिकेम एम्परर ऑलमोस्ट एवरी एनलाइटेंड पर्सन इन द वर्ल्ड सिंपथाइज्ड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1793 से 1796 तक फ्रेंच आर्मीज ने वेस्टर्न यूरोप का काफी सारा हिस्सा जो है कॉन्कर कर लिया था। ओके, काफी सारा हिस्सा इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। नेपोलियन प्रेस्ड ऑन टू माल्टा, इजिप्ट एंड सीरिया। फ्रेंच वर आउस्टेड फ्रॉम इटली। ओके, फ्रेंच वर आउस्टेड फ्रॉम इटली का मतलब क्या होता है कि फ्रेंच जो है उसकी, फ्रांस जो है उसकी हार हुई। यहां पर देखिए, जब नेपोलियन ने माल्टा, मिस्र तथा सीरिया पर आक्रमण किया तब फ्रांसीसी इटली से भाग निकले। आगे यहां पर कहा गया है कि आफ्टर नेपोलियन सीज्ड वॉर, सीज्ड पावर सॉरी, फ्रांस रिकवर्ड द टेरिटरीज। फ्रांस ने सारी टेरिटरीज रिकवर की। शी हैड लॉस्ट एंड डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन 1805, प्रूशिया इन 1806 एंड रशिया इन 1807। फाइनली जैसे कि आपको बताया था अलायंस भी होता है फ्रांस के अगेंस्ट, एन अलायंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूरोप डिफीटेड फ्रांस एट लिप्ज़िग इन 1813। 1813 में फ्रांस जो है वो पराजित होता है। दीज एलाइड फोर्सेस लेटर ऑक्यूपाइड पेरिस। ये जो एक जुट बना था फ्रांस के अगेंस्ट, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं पेरिस में और नेपोलियन जो है वो हार जाता है। ही अटेम्प्टेड एट रिकवरी। उसने कोशिश की दोबारा जीतने की और वो जो लड़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है जिसको बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है, और ये जो लड़ाई हुई थी 1815 में। फिर पीस सेटलमेंट होता है, सब कुछ वापस पाने का उसका प्रयास जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में वो विफल हो गया। उसके बाद पीस सेटलमेंट होता है विच इन्वॉल्व ऑल यूरोप, टुक प्लेस एट द कांग्रेस ऑफ वियना। ये पीस सेटलमेंट होता है, कहां पर होता है ये? एट द कांग्रेस ऑफ वियना, वहां पर ये पीस सेटलमेंट होता है। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन द ओल्ड रूलिंग डायनेस्टी ऑफ फ्रांस वाज रिस्टोर्ड टू पावर। नेपोलियन के हार जाने के बाद क्या होता है कि वो जो पुरानी डायनेस्टी थी जो कि रूल करती थी, बॉर्बन डायनेस्टी जिसके बारे में हमने बात की थी, बॉर्बन डायनेस्टी, इट वाज रिस्टोर्ड टू पावर। हाउएवर विद इन अ फ्यू इयर्स इन 1830 देयर वाज अनदर आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। फिर से क्रांति होती है। 1848 आया, मोनार्की वॉज अगेन ओवरथ्रोन दो इट सून रीअपियर्ड। तो मोनार्की जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, वो हम देख रहे हैं। फाइनली 1871 में रिपब्लिक वॉज अगेन प्रोक्लेम्ड। अंततः 1871, 70 के बाद 71 में एक बार फिर गणतंत्र की स्थापना की गई। तो ये थी सारी की सारी फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इस क्रांति के क्या क्या परिणाम हैं, वो देखते हैं। एक तो इस क्रांति ने जो सामंतवाद था कि फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, उनके पास बहुत सी जमीनें होंगी, उनके खेतों में जो गरीब किसान है वो काम करेगा, ये जो सारी सिस्टम था इसको इस क्रांति ने बिल्कुल खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। चर्च के पास जो दुनिया भर का लैंड्स हुआ करता था वो कन्फिस्केट कर लिया गया। लैंड्स हेल्ड इन कॉमन बाय द कम्युनिटी वर बॉट बाय द मिडिल क्लास। नोबल्स के जो पास जो जमीनें थी वो जब्त कर ली गई। तो आगे है प्रिविलेज्ड क्लास जो थी, जिस तरह से हमने देखा तीन एस्टेट्स थे, ओके, और जो थर्ड एस्टेट था वो कितनी बुरी तरह से सफर करता था, तो प्रिविलेज क्लासेस को अबॉलिश कर दिया गया। आफ्टर नेपोलियन सीज्ड पावर नेपोलियनिक कोड वॉज इंट्रोड्यूस। जब नेपोलियन सत्ता में आया तो नेपोलियनिक कोड भी उसने इंट्रोड्यूस किया था, और इस एलिमेंट्स के बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो काफ़ी समय तक रही, और इसने एक नया इकोनॉमिक सिस्टम दिया था। कैपिटलिज्म वॉज बिल्ट इन प्लेस ऑफ द फ्यूडल सिस्टम विच हैड बीन ओवरथ्रोन। इवन द रिस्टोर्ड मोनार्की कुड नॉट ब्रिंग बैक द फ्यूडल सिस्टम। हालांकि हमने देखा कि काफ़ी बार मोनार्की जो है वो रिस्टोर भी होती है, परंतु वह दोबारा से सामंतवाद लाने में असफल रहे। फ्रॉम दिस फॉलोड द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी दैट अ नेशन रिकॉग्नाइजेस नो लॉ और अथॉरिटी अबव इट्स ओन। इससे संप्रभुता के विचार का अनुसरण किया जाने लगा कि एक राष्ट्र जो है वो स्वयं के ऊपर किसी भी कानून अथवा अधिकार को नहीं मानता
है। देयर कैन नॉट बी एनी रूलर्स अबव द पीपल, सबसे ऊपर जो है सर्वोपरि जो है जनता है। ओनली अ रिपब्लिक इन विच द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल इज आंसरेबल टू द पीपल। किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, देखो इस लाइन में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, लोगों के ऊपर कोई शासक नहीं हो सकता, केवल एक गणतंत्र हो सकता है। और वो गणतंत्र भी कैसे बनता है, जिसमें सरकार को उसके जो अधिकार है जनता से ही मिलते हैं, जनता जो है वो सरकार को अधिकार देती है और जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अगर कोई आंसरेबिलिटी नहीं होगी आपकी, आप आंसरेबल नहीं है किसी को, तो फिर ऑब्वियसली आपको लगेगा कि मैं ही सुप्रीम पावर हूं, तो आंसरेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। इट वॉज दिस आइडिया ऑफ द पीपल बींग द सॉवरेन दैट गेव फ्रांस हर मिलिट्री स्ट्रेंथ। अंडर द जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पीपल वर गिवन द राइट टू वोट, सबको वोट डालने के अधिकार दिए गए, एंड द राइट ऑफ इंसरेक्शन। उसके बाद है गवर्नमेंट अबॉलिश्ड स्लेवरी, वहां पर दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। गवर्नमेंट अबॉलिश स्लेवरी इवन इन फ्रेंच कॉलोनीज में इसको खत्म कर दिया गया। 1792 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वर्कर्स पेजेंट्स एंड अदर नॉन प्रॉपर्टीड क्लास वर आल्सो गिवन पॉलिटिकल राइट्स। 1792 में इतिहास में पहली बार श्रमिकों, किसानों तथा अन्य बिना संपत्ति वाले वर्गों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। फ्रांस सून बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, ऐसा पहला देश बना, फ्रांस जल्दी उन प्रथम देशों में से एक बन गया जहां सामाजिक समानता के, समाजवाद के विचारों ने नए तरह के राजनीतिक आंदोलन को बढ़ावा दिया। जिस प्रकार से अमेरिकन रेवोल्यूशन ने दुनिया भर का ध्यान खींचा, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भी दुनिया भर का ध्यान खींचा? ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी इसका दुनिया भर में क्या प्रभाव हुआ, हम वो देखते हैं। It inspired revolutionary movements in almost every country of Europe and in South and Central America. Yes, देखो American Revolution ने भी अपनी प्रेरणा जो है बहुत सारे French philosophers में ढूंढी थी। तो ये जो French Revolution हुई, इसने South और Central America में बहुत सारी countries जो colonies थी उनको inspire किया। Even though old ruling dynasty of France had been restored, ऐसा हुआ कि monarchy वापस भी आती है, 1815 में वो वापस आती है, and the autocratic governments of Europe found themselves safe for the time being. Rulers found it increasingly difficult to rule the people. अगर मोनार्की दोबारा से आ भी जाती है तो जो शासक बनते हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जनता को कंट्रोल करने में, और उनको लगता है कि ये केवल हम नाम के लिए ही वापस आए हैं, लेकिन जरूर ये एक स्टेबल सिचुएशन नहीं है और ये लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन कतई नहीं होने वाली है। सम ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड द अमेरिकाज इन द अर्ली 19th सेंचुरी वर इमीडिएट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ the revolution and Napoleonic wars in which France was engaged with other European powers had resulted in the French occupation of vast areas of Europe for some time. Yes, काफी सारे areas पर France का दबदबा रहा काफी time तक. Under Napoleon, the French had become conquerors instead of liberators. Countries which organized popular resistance against the French occupation carried out reforms in their social and political system. Napoleon के नेतृत्व में फ्रांसीसी मुक्तदाता के स्थान पर, इससे पहले फ्रांसीसियों को मुक्तिदाता के जैसे देखा जाता था, उनके स्थान पर वो कॉन्करर्स बन गए, कॉन्कर करने वाले। जिन देशों ने फ्रांसीसी आधिपत्य के खिलाफ लोकप्रिय विद्रोह को संगठित किया था, उन्होंने अपनी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए काफी सारे काम किए। लीडिंग पावर ऑफ यूरोप डिड नॉट सक्सीड इन रिस्टोरिंग द ओल्ड ऑर्डर आइदर इन फ्रांस और इन कंट्रीज दैट द रेवोल्यूशंस हैड रीच्ड। पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम ऑफ 18th सेंचुरी हैड रिसीव्ड अ हैवी ब्लो। यस, जो पहले सिस्टम था जहां प्रिविलेज क्लास हुआ करती थी और एक इंफीरियर क्लास हुआ करती थी, उसको जबरदस्त धक्का लगा, जबरदस्त झटका लगा। दे वर सून टू डाई इन मोस्ट ऑफ यूरोप। केवल फ्रांस में ही नहीं खत्म हुआ, धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये पूरे के पूरे यूरोप में खत्म हो जाता है। और साथ में यहां पर हम बात करेंगे अबाउट रेवोल्यूशन इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका ऑल्सो। इंपैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन वॉज फेल्ट ऑन द फार अवे अमेरिकन कॉन्टिनेंट। रेवोल्यूशनरी फ्रांस हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी इन हर कॉलोनीज। स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई थी उनकी काफी सारी कॉलोनीज में। आगे देखिए, फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी ऑफ हेती बिकेम अ रिपब्लिक। कौन कौन सी कॉलोनीज हैं जो रिपब्लिक बनी, हम वो सब देखते हैं। जो पुरानी फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी ऑफ हेती बिकेम अ रिपब्लिक, दिस वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड बाई ब्लैक पीपल फॉर्मरली स्लेव्स इन द अमेरिकाज। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंस्पिरेशनल है। इंस्पायर्ड बाई दिस एग्जाम्पल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और भी होते हैं, अरोज इन द अमेरिकाज टू ओवरथ्रो अ फॉरेन रूल टू अबॉलिश स्लेवरी। चीफ
यूरोपियन इंपीरियलिस्ट पावर्स इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका वर स्पेन एंड पोर्टुगल। स्पेन की और पुर्तगाल की भी बहुत सारी कॉलोनीज थी सेंट्रल और साउथ अमेरिका। स्पेन हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय फ्रांस एंड पोर्टुगल वाज इन्वॉल्वड इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद फ्रांस। ओके, स्पेन पर फ्रांस का कब्जा था तथा जो पुर्तगाली एवं फ्रांस के बीच निरंतर एक संघर्ष जो है वो जारी था। During the early 19th century, 19वीं शताब्दी के दौरान, these two imperialist countries were cut off from their colonies. ये जो दो countries थे, ये अपनी colony से पूरी तरह cut off हो जाती हैं, with the result that most of Portuguese and Spanish colonies in Central and South America, ये independent हो जाती हैं. Obviously, जब आपका colonizer वहाँ नहीं है, तो आपको लगेगा कि मेरे लिए मौका है, क्यों ना इस मौके को भुनाया जाए. Movements for independence in these countries had earlier been inspired by successful war of American independence. जिस प्रकार क्रांति के बारे में क्या कहा जाता है कि संक्रामक होती है, उसी जगह तक लिमिटेड नहीं रहेगी। हमने बिल्कुल इनिशियल स्टेज में किया था ना कि क्रांति जो है वो संक्रामक है। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने फ्रांस को इंस्पायर किया, फ्रांस रेवोल्यूशन जो उसने दुनिया भर की कॉलोनीज को इंस्पायर किया। By the third decade of the 19th century, almost entire Central and South America had been liberated. Third decade आते आते 19th century का करीब करीब Central और South America का काफी सारा जो हिस्सा है वो आजाद हो चुका था। आजाद हो चुका था स्पेन से, आजाद हो चुका था पुर्तगाल से, और एक दुनिया भर के इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स जो है वो एस्टैब्लिश हो चुके थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म होती है। ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का।